हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सौम्या स्वामीनाथन की है और ये गेम उनकी कुछ बेहतरीन गेम्स में से एक है जो उन्होंने चेस ओलंपियाड वुमेन सेक्शन का स्थान तुर्की में खेला था। फ्रेंड्स, 2012 की ये गेम है और इनके सामने जो खिलाड़ी हैं मार्ता मिचना। फ्रेंड्स, आई थिंक मार्था, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आई थिंक शी इज फ्रॉम पोलैंड। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को करते हैं शुरू। सीधा B3 के साथ यहाँ मार्ता ने शुरू किया था। E5 देन बिशप B2, नाइट C6 G3, नाइट F6 देन बिशप G2 D5 देन E3 बिशप E6 D3 बिशप D6 देन नाइट E2 स्क्वायर पर क्वीन D7 देन H3। तो A5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ A3 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया और फिर नाइट गया E2 स्क्वायर पर। अगर मैं बात करूँ व्हाइट के कैसल करने के चांसेस की, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ S3 पॉन से लौटना होगा फिलहाल। लेकिन रुक E8 का मूव सौम्या स्वामीनाथन का था, उन्होंने यहाँ पर पहले अपने रुक को E8 स्क्वायर पर लिया। वैसे फ्रेंड्स, मैंने सौम्या स्वामीनाथन की जितनी भी गेम्स देखी, अगर मैं बात करूँ उनकी टॉप 4 और 5 गेम्स की बात करूं, 5 गेम्स की बात करूं, तो ज्यादातर मुझे लगता है कि ब्लैक से ही होगी जब वो ब्लैक से खेल रही थी। G4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन हुआ H6, नाइट G3 स्क्वायर पर, तो नाइट E7 यहाँ ब्लैक ने किया। और इस नाइट के E7 स्क्वायर पर आने का रीजन क्या है, ये नाइट कहाँ जाने वाला है, शायद बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जिस तरह से गेम बनेगी वही होने वाला है। C4 यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ C6, C5 बिशप पर अटैक, और यहाँ बिशप टेक C5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बिशप टेक C5 सेंटर का पॉन जीतने का मौका यहाँ व्हाइट को मिल चुका होगा। तो बिशप C7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, नाइट F3 देन नाइट G6 स्क्वायर पर, और अपने यहाँ इस पॉन पर डिफेंस किया है। वैसे तो मेरे ख्याल से सही समय था व्हाइट के लिए कैसल करने का, और शॉर्ट साइड कैसल ही बेटर होता, पर नाइट H5 ये थोड़ा अनयूजुअल मूव है क्योंकि अगर यहाँ सौम्या स्वामीनाथन मान लेते हैं नाइट टेक्स H5 करेंगी, तो जी टेक्स H5 होगा, नाइट पर अटैक आएगा, नाइट जाएगा सॉरी F8 स्क्वायर पर, और उसके बाद रुक रुक जो है कि वो जी फाइल में आ चुका होगा, बिशप का पूरा अटैक यहाँ G7 स्क्वायर तक पहुंच सकता है। लेकिन सौम्या आखिर इस नाइट को एक्सचेंज करेंगी क्यों, उन्होंने यहाँ किया नाइट H7 देन क्वीन C2 स्क्वायर पर F5, तो जी टेक्स F5 बिशप टेक्स F5 देन नाइट G3 द्वारा बिशप पर अटैक। तो बिशप अभी एक्सचेंज नहीं करना है सौम्या स्वामीनाथन को, उन्होंने अपने बिशप को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन H4, और इस H पॉन के जो प्लान्स हैं वो सौम्या के क्लियर हैं, बिशप G4 देन H5 नाइट पर अटैक, ये तो बनना ही था। और वैसे मेरे ख्याल से इस तरह की टैक्टिक्स लगाना एक अच्छे खासे, मतलब जो सौम्या स्वामीनाथन या GM लेवल के लोग हैं उनके लिए तो इजी है, हमारे लिए ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। उन्होंने यहाँ किया नाइट F4, और उसका रीजन क्या है यहाँ इस मूव को चलने का, यहाँ ये बिशप अनडिफेंडेड नजर आ रहा है, और दूसरा रुख सीधा क्वीन के किंग के सामने है, और पॉन डिफ्लेक्ट होकर डिस्कवर्ड चेक देने के बाद नाइट पर भी अटैक बना रहा है। चेस इंजन रिकमेंडेशन इवन यहाँ है कि व्हाइट को यहाँ अपना किंग मूव कर लेना चाहिए या कैसल कर लेना चाहिए, वट एवर इट इज। लेकिन यहाँ ई टेक्स F4 होने के बाद हुआ ई टेक्स F4 चेक। आप कहेंगे कि ठीक है, डिस्कवर्ड चेक तो आ गया, लेकिन व्हाइट ने अपने नाइट को बचा लेगा, और हुआ भी यही, नाइट गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G5। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत, अगर मैं कहूँ, अनयूजुअल है। आप यहाँ देखिए क्यों अनयूजुअल है, क्योंकि अगर व्हाइट यहाँ नाइट से नाइट तो नहीं ले सकता, नाइट टेक्स G5 हो नहीं सकता, अदरवाइज यहाँ बिशप टेक्स दैट नाइट विद चेक और क्वीन पर अटैक होगा, तो वो मूव तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात करें तो ब्लैक के प्लान्स क्या है, ब्लैक का वो डिलेड एक्सचेंज है यहाँ पर, ये बिशप का अटैक इवन डबल अटैक है यहाँ इस F3 नाइट पर। खैर, इन सब बातों को देखते हुए मार्ता ने यहाँ कैसल किया लॉन्ग साइड, तो हुआ नाइट टेक्स F3, और बिशप टेक्स F3 होगा, मेटल एक्सचेंज तो इक्वल ही रहेगा, जो भी है फायदे में तो रहेगा, और इवन यहाँ इस रुख पर भी अटैक होगा, नाइट पर भी प्रेशर बनेगा। मान लेते हैं चलिए रुख तो लगा देंगे यहाँ हम E1 स्क्वायर पर, उसके बाद क्या होगा, क्वीन G4 हो जाएगा, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, नाइट को हटाना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये नाइट पे ना ऑलरेडी। खैर चलते हैं फ्रेंड्स, गेम में हुआ था किंग B1, पहले किंग को मूव किया, दैट्स ओके। तो नाइट को वापस G5 स्क्वायर पर सौम्या ने लिया, तो अब यहाँ क्या किया जाए, आई थिंक बिशप F1 वॉज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन F3 करने के बाद आखिर ये मूव किस लिए चला गया है, क्योंकि नाइट टेक्स F3 तो होगा ही होगा, ये पॉन फिर गया,
चलिए, नाइट एक्स एफ थ्री, देन नाइट सी वन स्क्वायर पर, तो सौम्या ने अपने इस नाइट को वापस लिया, और ये एक मार्ता की गेम में बहुत बड़ी कमी मैं यहां पर कहूंगा, जो यहां उन्होंने एफ पॉन आगे पुश किया था इस वजह से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ ये एफ पॉन पासर के रूप में मिल चुका है, और उसके बाद एक बार ये थर्ड सेकेंड बहुत मुश्किल हो जाएगा, सपोर्टेड बाय लाइट स्क्वायर बिशप, बहुत मुश्किल होगा इसको रोकना। और ऊपर से यहाँ मार्ता ने एक छोटी सी गलती और की, और उन्होंने रुक को डी टू स्क्वायर पर लिया। सौम्या ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, एफ थ्री किया, तो बिशप पटना पड़ा, बिशप और बैड बिशप बहुत गंदे बिशप में कन्वर्ट हो गया, और ऐसा करने के बाद रुक को ई वन स्क्वायर पर जाने का मौका मिला, और देख सकते हैं कि रुक अनडिफेंडेड है, बिशप पिन हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई है व्हाइट की गेम में बहुत बड़ी, और इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करेंगे यहाँ सौम्या, किंग ए टू स्क्वायर पर, ये भी जरूरी है ताकि नाइट तो कम से कम गेम में वापस पार्टिसिपेट कर सके। तो रुक एट ए गोज टू ई8, ब्लैक को पूरा मौका मिला अपने रुक्स की बैठी तैयार करने का, क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E5, और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक है, और अब जितने भी पीस पोजीशन है, पीस प्लेसमेंट है, वो सारी यहाँ सौम्या स्वामीनाथन ड्राइव करेंगी। क्वीन टेक्स A5 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स B2, और आप देखिए कि कुछ देर के लिए तो कम से कम ये क्वीन गेम से बाहर हो चुकी है। क्यों? किंग टेक्स B2 होने के बाद D4, दैट्स इट। अब इस किंग को गेम में, यानी कि किंग की डिफेंस तक वापस पहुंचने के लिए बहुत समय लगने वाला है। तो रुक एट H3 गोज टू H2, देन रुक D1 स्क्वायर पर, और यहां इस रुक के D1 स्क्वायर पर आने का रीजन क्या हो सकता है, काफी सोचना होगा। चलिए देखते हैं, रुक D2 यहाँ व्हाइट ने किया, और उन्होंने यहां पर रुक एक्सचेंज ऑफर दिया, लेकिन अभी रुक एक्सचेंज न करके पहले यहाँ रुक को E1 स्क्वायर पर वापस सौम्या ने लिया। वैसे फ्रेंड्स एक मूव और है, अगर मैं यहाँ बात करूं, ब्लैक यहाँ चांस ले सकता है, क्योंकि मैं इस मूव को काफी देर से कंसिडर कर रहा था कि माइट भी ये मूव पॉसिबल है, रुक का सेक्रीफाइस। चलिए इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाकर देखते हैं। नाइट टेक्स E5 होगा, तो एफ टेक्स E5, बिशप पर अटैक बनेगा, चलिए बिशप टेक्स E2 कर भी देते हैं, देन रुक टेक्स H1, क्योंकि मैंने कहा था कि रुक अनडिफेंडेड है। चलिए फ्रेंड्स गेम में जो हुआ था वही देखते हैं। यहां हुआ तो रुक D गोज टू E1, रुक एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वीन B4 या व्हाइट ने किया, और मैंने जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मार्ता की इस क्वीन को गेम में वापस आने में काफी समय लगने वाला है। रुक एट 8 गोज टू E5, देन क्वीन C4 चेक, चलिए एक चेक देने का एक एडवांटेज तो मिल गया। बिशप गया E6 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, और अब दिखने में ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल फॉर व्हाइट हेयर, देन क्वीन D5 स्क्वायर पर, रुक F2, और रुक F2 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन पर तो कोई प्रेशर है ही नहीं, देन क्वीन टेक C5 आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, कर लेनी चाहिए थी, नहीं अगर कर ली होती तो इस नाइट पर प्रेशर बनता। चलिए देखते हैं रुक H4, और फ्रेंड्स रुक के H4 स्क्वायर पर आने के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट के पास मूव्स की कुछ कमी हुई है। क्वीन टेक C2 चेक, रुक टेक C2 अगर यहां करता है व्हाइट, तो रुक टेक्स F1 हो गया, बिशप गंवाना पड़ जाएगा, रिजाइन फिर भी करना पड़ेगा, चलो रुक टेक्स D4 कोई फर्क नहीं। और अगर यहाँ वो खैर गेम में हुआ था किंग टेक्स C2, लेकिन फाइनल मूव यहाँ सौम्या स्वामीनाथन को चलान लगाने का मौका मिला, वो था रुक C5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद मार्ता ने रिजाइन कर दिया। एंड द रीजन फॉर रेजिग्नेशन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर ये रुक से मेटीरियल एक्सचेंज कंप्लीट होता, क्वीन को लिया जाता, तो यहाँ बिशप जाता, लेकिन किंग से लिया है, तो किंग से चेक बचने के बाद रुक टेक्स C1, रुक टेक्स D2 4 अगर वगैरह, जिसमें से एक पीस और गया, दूसरा पीस और चला जाएगा। वेल फ्रेंड्स इस रुक C5 चेक की मूव के बाद वाकई में मार्ता के पास कोई खास मूव तो थे नहीं, और फ्रेंड्स सौम्या स्वामीनाथन की गेम, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अगर आप सौम्या की गेम देख रहे हो ब्लैक पीसेस के साथ, पता नहीं, या तो मुझे जो गेम्स मिली है वो ब्लैक पीसेस के साथ बहुत अच्छी है, फिर भी आप देखिएगा बहुत अच्छी गेम्स इनकी होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो और ये प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।